शनिवार लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गई। बहन चांदरानी ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन में परिवार को संभालने, उसकी उन्नति व खुशहाली के लिए जी तोड़ प्रयत्न किए। और समय समय के अनुसार परिवार के साथ लुधियाना में आकर बस गए। लुधियाना में भाइयों, बहनों व परिजनों ने उनको पूरा सम्मान भी दिया और वहाँ स्थापित होने में उनकी पूरी सहायता भी की, जो काबिले तारीफ है। पूरे परिवार ने लगन, मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हुए लुधियाना में अपना विशेष स्थान बनाया। बेटे राजन ने अपने कारोबार के साथ साथ अपने माता जी की जो सेवा की वह काबिले तारीफ है और सभी के लिए एक मिसाल भी है। पिछले 6-7 सालों से चल रही लंबी गंभीर बीमारी के बाद जैसे था बहन चांदरानी ने रखा, उसका भी कोई मुकाबला नहीं। बेहद वेदना, बार बार ऑपरेशनों के बाद कभी भी उन्होंने अपनी तकलीफ को किसी अन्य को बताने की कोशिश नहीं की। राजन, प्रिया व बच्चों पानी प्रियाशी की सेवा और प्यार ने उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। बेटे राजन ने अपने सभी कार्यों के ऊपर सर्वोपरि अपनी माता की सेवा और देखभाल को रखा और बहन ने भी समता के साथ सभी दुखों को सहते हुए अपने कर्मों को शांतिपूर्वक बानी अपनी दादी के याद में कुछ होते ही। क्या कहना है, सोने चांदी का कहना, दयादरत की सूरत दादी, ममता की मूर्ति दादी, सभी उपस्थित गणों को मेरा जय श्री। मैं वाणी जैन, स्वर्गवासी चांदरानी जैन के सुपुत्र राजन जैन की पुत्री अपनी दादी माँ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मेरी दादी माँ की जिंदगी के सफर की शुरुआत 21 अगस्त 1950 को पंजाब प्रांत के छोटे से कस्बे समाना में श्री चरणदास जी के घर से हुई। उन्होंने अपना बचपन सरलता एवं सादगी से बिताया। उनका विवाह 1971 में मुनीलाल जी के सुपुत्र श्री जयगोपाल जैन जी के साथ सिरसा में हुआ। उनकी 3 संतानें पूनम जैन, मोनिका जैन एवं राजन जैन हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए हैं। उन्होंने अपने जीवन में परिवार की सहायता एवं हमारी खुशियों को महत्व दिया है। हमारा धर्म की ओर झुकाव केवल उन्हीं की वजह से है। उन्होंने अपनी किसी भी इच्छा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जूझते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने अंतिम समय में उन्होंने हम सबसे हाथ जोड़कर विदाई ली। समय की पाबंदी के कारण मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान मेरी प्रिय दादी माँ की आत्मा को शांति दे, वह अपने चरणों में उनको जगा दे। धन्यवाद। माता जी के निधन के ऊपर श्रद्धांजलि प्रकट करना है। इंसान की जिंदगी का लंबा और छोटा होना आज की तरीक मायने नहीं रखता। बहुत छोटी उम्र के बहुत इंसान इस दुनिया को छड़ के जान लगते, पर असी जो देखते हैं जिदा कि हूँ इस बच्ची ने दसिया कि राजन की माता जी का जन्म समाना होया और उस तो बाद उन्होंने जिंदगी के 60-65 साल जिन्हें भी कट्टे अपने फर्ज को निभाते हुए और अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देंदे हुए इस जिंदगी में अगे लै के गए। राजन की मदर ने अपने सारे फर्ज निभाए हैं और अपनी जिंदगी उन्हें समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत खूबसूरत तरीके जिया और परिवार आने वाले टाइम के समाज में बहुत कुछ दे के जाऊँगा। ये मैं तुम्हें गारंटी ना कहना। जैन समाज के बहुत लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस अज की तरीक बिजनेस जोड़ा
ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਾਜਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਮਲੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਸ ਪਰ ਜਗ ਮੇ ਮੋਹ
कैंसर जैसी
खतरनाक बीमारी जूझते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने अंतिम समय में उन्होंने हम सबसे हाथ जोड़कर विदाई दी। समय की पाबंदी के कारण मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान मेरी प्रिय दादी माँ की आत्मा को शांति दे, वह अपने चरणों में उनको जगा दे। धन्यवाद। गौतम अपने रोजगार प्राप्त करेंगे। मेरी माता जी के निधन के ऊपर श्रद्धांजलि प्रकट करना है। इंसान की जिंदगी का लंबा और छोटा होना आज की तरीक च मायने नहीं रखता। बहुत छोटी उम्र के बहुत इंसान इस दुनिया को छोड़ के जा लगते हैं, पर असी जो देखते हैं जिदा कि हमने इस बच्ची ने दसिया कि राजन की माता जी का जन्म समाना होया और उस तो बाद उन्होंने जिंदगी के 60-65 साल जिन्ने भी कटे अपने फर्ज नूं निभाते हुए और अच्छे संस्कार अपने बच्चों देंदे हुए इस जिंदगी अगे लैके गए। अनडाउटेडली कि कुछ देर पहला उन्होंने कैंसर वर्गी बीमारी हो गई। उन्होंने विल पावर बहुत स्ट्रोंग सी। मैं उन्होंने बहुत करीब तो देखिया और एक सब तो वड्डी गल इह है वी एक माँ कल्ले अपने परिवार को ही संस्कार नहीं दिंदी, उस समाज को भी संस्कार दिंदी। इसका सब तो वड्डा एग्जाम्पल यह है कि जे राजन नूं उन्हें अच्छे संस्कार ना दिते होंगे तो राजन उहदी अगे सेवा ना करदा। अज की तरीक दे विच माँ बाप जिहड़े अपने बच्चों नूं अच्छे संस्कार दिंदे है उन्हां नूं ही कल सेवा का मौका मिलता है कि उन्होंने बच्चे उन्होंने सामभते हैं। माँ इस समाज की बहुत वड्डी काम और उस माँ ने अपने बच्चों को चाहे वह धीआ आ चाहे उन्होंने मूँह सी चाहे उन्होंने आले दुआले कोई भी रहा आस पड़ोस के लोग रह रहे उन्हें अच्छे संस्कार दिए। जो लास्ट टाइम हॉस्पिटल के बच्चों एडमिट हुए थे तो मैं नहीं लगता कि जिन्हें भी बंदे लोग उन्होंने हाल चाल पूछ रहे थे किसी ने कहा होगा कि ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते। और इस लड़के ने राजन ने मैं तारीफ करूँगा कि 60 दिन इस बंदे ने पिट ला के दी हॉस्पिटल ICU के बाहर यह दिन रात उत्थे जागता रहा अपनी माँ की सेवा करता रहा ना पैसे वालों ना सेवा वालों किसी चीज़ की कोई कमी नहीं और फिर उन्होंने ठीक करके अपने घर के लाया। उस तो बाद घर के इन्हों नूह ने राजन ने बहुत सेवा की। सो बेसिक रीज़न इन्हों की प्रेस कर नहीं बिल्कुल प्रेस कर नहीं है, बेसिक रीज़न ये है कि इन्हों की माँ की संस्कार अज की तरीक के संस्कार की बहुत वड्डी जरूरत है साडे समाज में साडे देश में। अज जो ये आप देखते हैं भी ये जो अनाथालय खुल रहे हैं वह बेसिक रीज़न है जो माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी तो यह समाज सुदृढ़ भी होगा ये देश भी सुदृढ़ होगा। बाकी जिंदगी की डेफिनेशन का हर इंसान की अलग अलग है। मैं तो यह कहना भी जिंदगी जियो और जान लो भी जिंदगी की है। जिंदगी की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कहता कर्म चंगा करो कोई कहता पुण्य करो कोई कहता दान करो कोई कुछ कहता है। जिंदगी की डेफिनेशन यह है कि राइट फ्रॉम यूअर बर्थ टिल यूअर डेथ जो तुम बेस्ट कर सकते हो इस सोसाइटी लिए अपने आप लिए अपने परिवार लिए उन्होंने करने की कोशिश करो। और मैं अज की तरीक के बीच यही कहना चाहना कि राजन की मदर ने अपने सारे फर्ज निभाए हैं और अपनी जिंदगी उन्हें समाज के लिए अपने परिवार के लिए बहुत खूबसूरत तरीके जिया और परिवार आने वाले टाइम के समाज में बहुत कुछ दे के जाऊँगा। ये मैं थोड़ा फ्रेंडली ना कहना जैन समाज के बहुत लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस अज की तरीक बिजनेस जोड़ा है वो एक पैसा कमाने का सोर्स बिल्कुल नहीं। पैसा जरूरत है इंसान की ये कोई डाउट नहीं है, पर पैसे दे नाल मैं ये समझदा राजन जिस दिन लुधियाने के आया से उस दिन तो लैके उस दिन ये आप इंपलॉयज
जिस दिन एक लुधियाने के चैनल की फैमिली ही वाज हिमसेल्फ इंप्लॉयड और अज मैं तो फकर वाले गल कहना कि अज किन्ने बंदे ये समाज किन्ने लोगों रोज़गार दे रहा है किन्ने लोगों के घर इन्हे फैक्ट्रिया के इंप्लॉयमेंट लोग लै रहे हैं ये सारा कुछ चल रहा है। सो ये भी एक समाज की बहुत वड्डी सेवा है किन्ने घर तुहाडे नाल रिलेटिड हो के परमात्मा तुहानू समर्था दिती है कि किन्नियां नू तुसीं रोज़गार दे रहे हो कईआं दे घर रोटी चलती है ये सारा एक तुसीं साधन हो उसके इस करके मैं यही कहूँगा कि इस परिवार वालों जो भी समाज में दिता गया अस सारे वो बहुत धन्यवाद करते हैं और परमात्मा के अगर प्रार्थना करते हैं कि माता जी को अपने चरणों के निवास दें। इस मौके कुछ शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं। एस एस जैन सभा गुरुद्वारा लाड महावीर जैन पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा श्री महावीर जैन सीनियर सैकेंडरी स्कूल गुरुद्वारा कुछ नई डीसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी इन्होंने चेयरमैन प्रधान सैकटरी इन सारे इतने श्रद्धा के कुछ प्रकट करने पहुंचे हुए हैं। एस एस जैन सभा समाणा जिन्हों के उप प्रधान सैकटरी भी इतने पहुंचे हुए हैं तो समाणा प्रेस क्लब वालों भी शोक संदेश आया। हूँ साढ़े ही परिवार दसा श्री रवि कुमार जी जैन अपने श्रद्धा के फुल भेंट करेंगे। सरदूलगढ़ एस एस जैन सभा
समाना एस एस जैन सभा सिरसा कुछ आश्रम गौशाला लुधियाना श्री चटेश्वरी देवी जी सरहंद मंदिर श्री पद्मा देवी पति जी कॉलेज रोड डी फैंड डाउन स्कूल लुधियाना कुल एक लाख इक्कीस हज़ार की राशि परिवार ने दान के रूप में दी है। हम समाज की ओर से परिवार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब पगड़ी की रस्म अदा होगी, उसके बाद सभी आए हुए महानुभावों से बेनती है कि परिवार की ओर से भोजन का प्रबंध किया गया, सभी खाना लेते हैं। और भाई रोक दियो ब्रदर, जो पगड़ी लाए हैं वो पगड़ी दे सकते हैं, उसका पैसे हम देने की कोशिश ना करें।
बीमारी के उन्होंने जिदा अपना टाइम टपाया है ना जाते वक्त भी उन्होंने बड़े आराम नाल ही गए ने कोई कष्ट नहीं दिता मैनू तो मैं बोल ही नहीं पा रहा उन्होंने वास्ते कुछ भी जो मेरे को शब्द ही है नहीं है।